नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री दैनिक पंचांग के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं 28 दिसंबर सन 2022 आज का पंचांग लेकर के। आज की तिथिवार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों का क्या समय रहेगा, कौन सी दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, शुभ चौघड़िया का समय क्या रहेगा, इन तमाम बातों की चर्चा भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के सूर्य उदय समय की। तो आज 7:14 प्रातःकाल सूर्य उदय का समय रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा सायंकाल 5:27 का। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। आज गुलिक काल का शुभ समय शुरू होगा 11:02 मध्याह्न काल से लेकर के 12:20 मध्याह्न काल तक का रहेगा। राहु काल का शुभ समय 12:20 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:37 तक का रहेगा। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो अभिजित का शुभ मुहूर्त 12:00 से लेकर के 12:40 तक का रहेगा। बात आज की शुभ चौघड़िया की करें तो आज प्रातःकाल 7:10 से लेकर के 9:45 तक कर्मशाल लाभ अमृत चौघड़िया रहेंगी और सायंकाल की बात करें रात्रि की तो आज 7:12 से लेकर के 10:40 तक शुभ अमृत चौघड़िया रहेगी। ध्यान रखिएगा राहु काल में किसी भी नए व खास कार्य को करने से जरूर बचिएगा। अभिजित मुहूर्त गुलिक काल व शुभ चौघड़िया में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। बात करते हैं आज के पंचांग की तो विक्रमी संवत 2079 और साख संवत 1944 तद अनुसार 28 दिसंबर सन 2022 आज का पंचांग। पौष माह की 13 प्रविष्टा है आज और शिशिर ऋतु शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। षष्ठी तिथि रात्रि 8:44 तक रहेगी और उसके उपरांत सप्तमी तिथि होगी। आज का बार बुधवार है। आज सतविशा नक्षत्र 12:45 मध्याह्न काल तक रहेगा, उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा, जबकि आज सिद्धि योग दोपहर 2:19 तक रहेगा और उसके उपरांत होगा व्यतिपात योग। करण की बात करें तो आज कौलव करण 9:48 तक रहेगा, उसके उपरांत गर करण होगा। और अब आज की ज्योतिषीय सूचना तो आपको बता दे, पंचक चल रहे हैं और सतविशा नक्षत्र व पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोनों ही नक्षत्र पंचक के अधीन आते हैं, इसलिए पंचक में जो विचारणीय कार्य है उनका विचार जरूर करिएगा। बात आज के दिशाशूल की करें तो आज उत्तर दिशा में आपको यात्रा करने से बचना है। यदि नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से हरे धनिया की पत्तियों का सेवन करें और उसके उपरांत ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिएगा, निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमात्मा आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।